नमस्कार दोस्तों, 28 फरवरी 2019 के करंट अफेयर्स के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन बना है पाकिस्तान के ऊपर, जो कि अपनी हरकतों से बाज आने वाला नहीं है। इधर आपको पता होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में अभी टेंशन का माहौल चल रहा है। उसी बीच में आप देखेंगे पाकिस्तान के ऊपर साइड में ये जो देश है अफगानिस्तान, यहाँ के लोगों का भी पाकिस्तान से 36 का आंकड़ा रहता है। तो यहाँ पर एक रिसेंट में क्वेश्चन बना है कि ये जो अफगानिस्तान का एरिया ये जो पड़ता है, तो पाकिस्तान के सैनिकों ने यानी कि पाकिस्तान की आर्मी ने जो काम किया है कि अफगानिस्तान के एरिया में जाकर घुसपैठ कर ली है। ठीक है, तो ये इलीगल तरीके से जो घुसपैठ करी है अफगानिस्तान में पाकिस्तान वालों ने, इसको लेकर एक क्वेश्चन बना है। क्वेश्चन क्या है वो समझते हैं। देखो, क्वेश्चन ये बना है दोस्तों कि हाल ही में अफगानिस्तान ने किस देश की सेना के अतिक्रमण को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसको बोलते हैं UNSC, में शिकायत करी है। तो मैं इसका आंसर आपको पहले ही बता चुका हूं, पाकिस्तानी सेना इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान ने भी अफगानिस्तान में भी अतिक्रमण मचा रखा है। तो यहां पर आपको मैप के थ्रू एक बार फिर से बता देता हूं, ये रहा भारत, उसके ऊपर ये रहा पाकिस्तान और उस तरफ शुरू होता है अफगानिस्तान। तो इन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में भी रिलेशंस हमेशा इसी तरीके से चलते हैं। दोस्तों, आज का ये PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना, और रेगुलर बेसिस पर अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। तो दोस्तों, आज का दूसरा क्वेश्चन बना है कि ICC की ताज़ा रैंकिंग जारी कर दी गई है, जिसके अनुसार कौन सी टीम पहली बार दूसरे स्थान पर आ गई है। तो यहाँ पर एक टीम है जिसका नाम है न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। न्यूजीलैंड अपने करियर की बेस्ट यानी कि दूसरे नंबर पर पहुँच चुकी है टेस्ट रैंकिंग में, तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आपको बता दूँ कि नंबर वन पर है अपना भारत यानी कि इंडिया, नंबर टू पर पहुँच गया है न्यूजीलैंड, और नंबर तीन पर है साउथ अफ्रीका। इससे पहले क्या था, जस्ट एक वीक पहले साउथ अफ्रीका नंबर दो पर था, लेकिन अब वो नंबर तीन पर हो गया है। रीज़न उसका ये है, मैंने आपको अभी बताया था 2 दिन पहले कि श्रीलंका ने साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका की जमीन पर 0-2 से हरा दिया। यानी कि दो टेस्ट मैचों की सीरीज़ में श्रीलंका ने दोनों टेस्ट मैचों को जीत कर साउथ अफ्रीका को उसी की धरती पर हरा दिया था। ऐसा करने वाली एशिया की पहली टीम बनी है श्रीलंका। इस वजह से साउथ अफ्रीका का रैंकिंग जो है वो 2 से 3 पर आ गया, और न्यूजीलैंड को इसका फ़ायदा मिला, जो कि न्यूजीलैंड दूसरे नंबर पर पहुँच गया है। अच्छा, हमारे मन में जब भी क्रिकेट की बात होती है तो ऑस्ट्रेलिया का जिक्र ज़रूर होता है। तो ऑस्ट्रेलिया की जो रैंकिंग है 104 नंबर के साथ में वो चौथे स्थान पर है, और 5वें नंबर की बात करी जाए तो इंग्लैंड टीम इसमें 5वें नंबर पर है, लेकिन अपनी भारतीय टीम इस समय भी नंबर वन पर बनी हुई है। आगे चलते हैं, यहाँ पर ICC की रैंकिंग थी तो इस वजह से ICC का लोगो देख लेंगे। आगे चलते हैं, बहुत बड़ी खबर ये बनी है, दूसरा क्वेश्चन, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को अबू धाबी में OIC में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया है। OIC का फुल फॉर्म क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत बड़ी खबर है, ये भारत के लिए बहुत ही बड़ी कह सकते हो राजनीतिक विजय है, क्योंकि यहाँ पर OIC में सुषमा स्वराज जी को भाषण देने को मिलेगा। OIC का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके नाम से ही आपको लग रहा होगा कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इस्लामिक कोऑपरेशन। ठीक है, इस्लामिक शब्द पर जोर दीजिएगा, जितने भी इस्लामिक देश हैं, मतलब इस कोऑपरेशन टीम में जितने भी मेंबर्स जुड़े हुए हैं, इस्लामिक पीपल को इसमें जोड़ा जाता है, इंडिया को इसमें जोड़ा गया है। तो इससे क्या हो रहा है कि जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनको दिक्कत होनी शुरू हो गई है, खास करके पाकिस्तान को। अगर आप कल का न्यूज़ देखेंगे, एक चीज़ और समझिए सबसे पहले कि भारत पहली बार इस बार ऐसा हुआ है कि किसी नॉन इस्लामिक कंट्रीज़ को इस कमेटी में शामिल किया गया है, तो पहली बार भारत को इसमें मौका मिला है। और इसी के साथ में पाकिस्तान को इसमें बहुत बड़ी दिक्कत होने लगी है, ये आप देख सकते हैं कल का न्यूज़पेपर, जिसमें देखो एक न्यूज़पेपर ने लिखा है कि पाकिस्तान एक्सप्रेसेस कंसर्न,
यानी कि पाकिस्तान इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि भारत को इसमें शामिल क्यों कर लिया गया है। साथ ही साथ में आप यहाँ पर देखेंगे पाक फॉरेन मिनिस्टर थ्रीटेंस टू बाइकाट ओआईसी, यानी कि पाकिस्तान के जो मिनिस्टर्स हैं वो ओआईसी यानी कि इस कमेटी को बाइकाट करने का संकेत दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चूंकि भारत को इसमें इनविटेशन मिला है, इस वजह से पाकिस्तान को ओआईसी बाइकाट करने का बोल रहे हैं। तो ओआईसी का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी हाल फिलहाल में आपने सुना होगा कि जहरीली शराब पीने से अलग अलग राज्यों में बहुत ज़्यादा लोगों की मौत हो रही है, उसी पर बिहार में सबसे ज़्यादा इसका नंबर है। तो एक क्वेश्चन बना है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शराब की तस्करी की जांच करने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित कुत्तों को तैनात करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो यहाँ पर देखो स्पेशल टाइप की ट्रेनिंग दी जाती है इन कुत्तों को जो कि शराब के ठिकानों को पहचान लेते हैं, वो है ऑप्शन सी बिहार। ऐसा कदम बिहार में उठाया गया है क्योंकि हाल फिलहाल में कुछ ही महीनों का अंतराल अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा मौतें जो जहरीली शराब पीने से हुई है वो बिहार में हुई है। तो बहुत ही अच्छी मुहिम है। आगे चलते हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने देश भर में रेलवे में चल रहे काम के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए नई दिल्ली में किस नाम से डैशबोर्ड लॉन्च किया है? तो यहाँ पर रेल मंत्री ने जो डैशबोर्ड लॉन्च किया है उसका नाम है रेल दृष्टि। फिर से देख लेना, रेलवे की तरफ से एक डैशबोर्ड जारी किया गया है जिसका नाम है रेल दृष्टि। नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या होगा कि रेलवे की तरफ से जितने भी डेवलपमेंट होंगे, जितने भी काम होंगे या कोई भी लेटेस्ट अपडेट होगा उसको रेल दृष्टि नाम के डैशबोर्ड पर आप जाकर देख सकते हैं, जो कि देखने पर कुछ इस तरीके से लगेगा, जिसका फोटो भी मैंने यहाँ पर लगा रखा है। तो यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको रेल दृष्टि नाम के इस पोर्टल पर मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी नई मुद्रा आरटीजीएस डॉलर में व्यापार करना शुरू कर दिया है? तो यहाँ पर एक नई मुद्रा जिसका नाम आरटीजीएस डॉलर, ये शुरू करी गई है जिम्बाब्वे में। देखो जिम्बाब्वे में ऐसा कदम क्यों उठा गया, क्योंकि वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही ज़्यादा वीक थी, जिसके चलते सरकार ने इसको सुधारने के लिए जब अनाउंसमेंट किया था, अनाउंसमेंट के दूसरे दिन ही उन्होंने एक नया चेंज किया है, वो कि उन्होंने अपनी मुद्रा नई मुद्रा आरटीजीएस डॉलर में व्यापार करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर आपको दिखा देते हैं जिम्बाब्वे की लोकेशन, जो कि आप देख सकते हैं साउथ, यहाँ पर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में नीचे की तरफ आपको मिल जाएगा जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे और राष्ट्रपति का नाम है एमरसन मांगरागवा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य दूसरा तटरक्षक यानी कि कोस्ट गार्ड जिला मुख्यालय पाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो यहाँ पर दोस्तों तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि तमिलनाडु को भारत का पहला ऐसा राज्य होगा जहाँ पर दो दो मुख्यालय बनेंगे कोस्ट गार्ड को लेकर। ये करने का सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य सिर्फ इतना था कि आप देख सकते हैं पूरा कोस्टल एरिया, यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, ये रहा पूरा तमिलनाडु के चारों ओर इस तरफ पूरा कोस्टल एरिया है, और इस कोस्टल एरिया की सुरक्षा को लेकर, इसके प्रोटेक्शन को लेकर यहाँ पर दो दो मुख्यालय बनाए गए हैं कोस्ट गार्ड को लेकर। ये आपको फोटो दिखाता हूँ जो ये मुख्यालय बनाते समय जो मीटिंग हुआ था उसी का फोटो है। और यहाँ पर जो पहला मुख्यालय है, चूंकि ये दूसरा मुख्यालय है तो दूसरा जो मुख्यालय है वो तमिलनाडु के थूथू कुड़ी में खोला गया है। ठीक है, और इसी तरीके से जो पहला मुख्यालय है वो चेन्नई में खोला गया था। तो यहाँ पर पहला राज्य कौन बना है? पहला राज्य बना है तमिलनाडु, जो कि दूसरा तटरक्षक पाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जो है आईसीसी ने श्रीलंका के पूर्व कप्तान जिनका नाम है सनत जयसूर्या पर क्रिकेट के सभी प्ररूपों से कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो यहाँ पर सनत जयसूर्या को सभी लोग शायद जानते होंगे, इन पर क्रिकेट की किसी भी तरीके की एक्टिविटी से दूर रहने के लिए 2 साल का बैन इनके ऊपर लगाया गया है। कितने साल का? 2 साल का।
रीज़न उसका यह है कि इनको क्रिकेट आईसीसी की तरफ से क्रिकेट के नियमों का उल्लंघन करने को लेकर इस पर ये रोक लगाई गई है। हाल ही में जयसूर्या के ऊपर एक जांच चल रही थी जिसमें उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया था, सही समय पर डॉक्यूमेंट्स सबमिट नहीं किए थे, जिसके चलते आईसीसी ने उन पर यह बैन लगाया है। अगला क्वेश्चन है, उद्योगपति गौतम अडानी के अडानी समूह ने प्राय निजीकरण के लिए रखे गए सभी कितने हवाई अड्डों की अगले 50 वर्षों तक परिचालन संबंधी बोलियां जीत ली हैं? तो यहाँ पर अगले 50 वर्षों तक कुल मिलाकर 6 हवाई अड्डों का परिचालन जो होगा वो इनके अंडर में, अडानी ग्रुप के अंडर में आ गया है। तो इन 50 वर्षों के लिए 6 हवाई अड्डों का परिचालन जो है वो हम अडानी समूह के द्वारा लिया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ये तो थे आज के क्वेश्चन। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको सारी बुक्स फ्री में मिलेंगी। आज का देखो रिवीजन का सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के किस फाइटर जेट के ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानियों को निशाना बनाया था? भारत और किस देश के बीच में सैन्य अभ्यास संप्रति 2019 को ऑर्गेनाइज किया गया? वर्ष 2018 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? जल्दी से तीनों क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में दे देंगे। वीडियो से आपका फायदा हुआ हो तो आप इसमें लाइक करना ना भूलें।